फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं खसखस की बर्फी। और इसे बनाना बिल्कुल आसान है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी भी होता है, साथ में ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। तो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम शुगर और 150 ग्राम खोया लिया है, तो खोया कंपलसरी चाहिए इसके लिए। और लिया है 150 ग्राम खसखस, तो दोनों मिला के 150 ग्राम है ये। और यहाँ पर मैंने लिया है 7-8 इलायची, तो फ्लेवर के लिए चाहिए इलायची, टेस्ट पे अच्छा आएगा। तो गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, तो अभी हम खसखस को रोस्ट कर लेंगे। तो गैस को हाई फ्लेम पर रखिए ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो हाई फ्लेम पर रखने पर ही ये अच्छे से रोस्ट होते हैं खसखस। तो देखिए, खसखस रोस्ट हो चुके हैं, बिल्कुल फट चुके हैं ये। तो इसे निकाल लेते हैं और इसे मिक्सी में पाउडर बना लेंगे हम। तो खसखस को मैंने निकाल दिया और उसे पाउडर बनाकर साइड में रख लिया है। तो अभी हम चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए शुगर डालेंगे हम, जो मैंने 200 ग्राम शुगर लिया था उस शुगर को मैं पैन में डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी ना डालें। तो दो टाट की चाशनी चाहिए हमें। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये नीचे से लगकर जल सकता है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो बिल्कुल गाढ़ी चाशनी चाहिए हमें, जैसे निकालते ही दो तार की चाशनी आनी चाहिए। तो ये टूट कर गिरनी चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो देखिए, चाशनी टूटने लगी है। तो चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अभी इसमें डालेंगे हम खोए को, और खोए को भी अच्छी तरह से हम पका लेंगे। बिल्कुल इसमें घुल जाना चाहिए और अच्छी तरह से पक जाना चाहिए खोया। तो आपको चाशनी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर दो तार की चाशनी नहीं बनी तो बर्फी नहीं बनेगी। तो खोया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें। तो अभी डाल लेंगे जो मैंने खसखस को पाउडर किया था, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करते जाऊंगी, एकदम से ना डाले। तो थोड़ा थोड़ा डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें घी का यूज बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि खसखस में ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल होता है। तो आप इस तरह से खसखस की बर्फी बनाओगे और खाओगे तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और साथ में खसखस खाने से नींद बहुत अच्छी तरह से आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए, मैंने सारे खसखस का पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसमें, और इलायची का पाउडर बना लिया, जो 7-8 इलायची थे तो उसे मैंने कूट कर पाउडर बना लिया है। और इसमें मिक्स कर लेंगे इलायची का पाउडर को, और हमें इस बर्फी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब तक ये पैन ना छोड़ दे तब तक हमें इसे पकाना है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहे ताकि नीचे ना लगे। तो देखिए, ये पैन छोड़ने लगा है। तो इस तरह से बिल्कुल निकल कर आना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। तो मैंने एक प्लेट पर घी डालकर तैयार कर लिया था,
तो बर्फी भी अच्छी तरह से तैयार हो गई है बनकर, तो इसे प्लेट में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे हम। तो सारी ओर से अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो अच्छी तरह से सेट कर लिया मैंने, और इसके ऊपर मैंने जो रोस्ट किया था खसखस, उसे थोड़ा सा बचा के रखा था, तो इसे ऊपर से और थोड़ा सा डाल दूंगी मैं, और चम्मच, एक चम्मच से टैप कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो देखिए अभी ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, बर्फी बनकर तैयार है। तो इसे काट कर मैंने रख लिया। तो देखिए खसखस की बर्फी बनकर तैयार है। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये बर्फी पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।